एक व्यापक अवधारणा है और यह सामाजिक न्याय पर आधारित है। यह सोशल जस्टिस देता है, समाज में एकरूपता कायम करता है। देखेंगे सामान्य अर्थों में मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है, मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है। यथा बीमारी, दुर्घटना के कारण विकलांगता, प्रसूति, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि। ऐसी स्थिति में मजदूरी अर्जकों, जो कमाने वाला व्यक्ति है घर का, उसकी आमदनी कम या समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो काम करने नहीं जा सकता है। बीमार पड़ेगा काम करेगा? नहीं करेगा। पैर टूट गया कट गया करेगा? नहीं करेगा। प्रसूति, महिलाएं मां बनेगी तो काम करेगी? नहीं करेगी। बेरोजगारी, बेरोजगार हो गए तो आपको काम ही नहीं मिल रहा है। वृद्धावस्था, बुढ़ापा में ना हाथ का काम करेगा ना पैर काम करेगा। मृत्यु, मर जाने के बाद छत में बजा। ऐसी स्थिति में मजदूरी अर्जकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा योजना बनाकर तथा सरकार द्वारा कानून बनाकर यदि आय सुरक्षा दी जाती है तो उसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है, उसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। इतना समझ गया? कोई दिक्कत? फिर से बोल दें, मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है, यथा ऐसी स्थिति में मजदूरी अर्जकों की आमदनी कम या समाप्त हो जाती है तथा स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से बचाने के लिए किसी गैर सरकारी संगठन एनजीओ या सरकारी संगठन द्वारा योजना बनाकर तथा सरकार द्वारा कानून बनाकर आय सुरक्षा दी जाती है तो उसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। देखेंगे कैसे। आप देखेंगे कि बीमारी, सिकनेस, यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी बीमार हो जाता है तो वह काम पर नहीं जा सकता। जब काम नहीं करेगा तो नियोजक क्या कहेगा? नो वर्क नो पे, काम नहीं तो वेतन नहीं। ऐसी स्थिति में उसकी आमदनी कम हो जाती है जबकि चिकित्सकीय खर्च बढ़ जाता है और उसे बीमारी की स्थिति में आय सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। आय सुरक्षा कौन दे? तो आय सुरक्षा देने के लिए एनजीओ द्वारा तो प्रयास किया ही जाता है, सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई है और कानून भी बनाए गए हैं। जैसे देखेंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत 34 व्यावसायिक बीमारियों के लिए
इसमें व्यवस्थाएं की गई, इसमें सिकनेस बेनिफिट दिए जाते हैं, ये तो याद होगा। ये टोटल आपका जितना हम पढ़ाए हैं एक्ट उसका एक्सरसाइज इसमें हो जाएगा, इतना ही में आप लोगों को बताना होगा। नहीं बताएंगे आप लोग तो LSW के प्रावधानों के अनुसार पेनाल्टी लगेगा, दंड। क्या दंड लग सकता है, कोई दंड याद है आपको किसी भी कानून का, बताया जाए। जो पढ़े हैं उन लोग को बोल रहे हैं, जो पढ़े हैं वो, कोई दंड याद है किसी भी चैप्टर का, बता दीजिए क्या उसमें होता है। इतना हजार रुपया या दो, 6 माह का कारावास, 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों। लेकिन आप लोगों को दंड के रूप में हम क्या लगाएंगे, यदि कोई स्टूडेंट अगर प्रोविजन के बारे में नहीं बताता है तो सभी क्लास के स्टूडेंट को कॉफी अथवा चाय अथवा दोनों में से कोई दंड के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है। नहीं अब याद हो जाएगा ना दंड, यही दंड दिखाते हैं। अब देखेंगे आप कि इसके अलावा सरकार ने बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत 2018, ये विश्व का सबसे बड़ा स्कीम है और इसमें 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और 5 लाख का प्रतिवर्ष इलाज कराया जा सकता है, ये इसके अंतर्गत प्रोविजन है। तो बीमारी से संबंधित एग्जाम्पल भी हो गया, नहीं आप देखिए विकलांगता यदि दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की या कर्मचारी की अस्थाई, अस्थाई पूर्ण, अस्थाई आंशिक रूप से शारीरिक क्षति हो जाती है तो उसे विकलांगता कहा जाता है। यदि किसी कर्मचारी की या व्यक्ति की दुर्घटना के कारण कोई भी अंग खो देता है तो वह काम करने नहीं जाएगा, जब काम नहीं करेगा तो वेतन नहीं मिलेगा, नियोजक क्या करेगा, नो वर्क नो पे। तो नियोजक पर अंकुश लगाने के लिए क्या सरकार करती है, योजना बनाती है, कानून बनाती है। देखिए क्या कानून बनाई है सरकार, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका खर्च बढ़ जाता है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, इसके अंदर क्या व्यवस्था है, अस्थाई विकलांगता, अस्थाई पूर्ण विकलांगता, अस्थाई आंशिक विकलांगता, मृत्यु भी है लेकिन यहां विकलांगता तक लिख के छोड़ देंगे। चलिए बताइए अस्थाई पूर्ण विकलांगता का फॉर्मूला क्या है, गणना करने का, क्षतिपूर्ति देने का, इतलाफ देने का, क्षतिपूर्ति देने की क्या है फॉर्मूला, वो नहीं फॉर्मूला में पूछ रहा हूं। अस्थाई पूर्ण परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर किसी भी व्यक्ति का होता है तो इसके लिए क्षतिपूर्ति की गणना करने हेतु क्या फॉर्मूला है, हाँ तुक्का नहीं चलेगा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुक्का मार दीजिएगा हो सकता है लॉ आ गया हो पास कर जाइएगा, लेकिन यहां तुक्का नहीं चलेगा एग्जैक्ट चलेगा। 60% ऑफ हिज वेजेज इनटू रिलेवेंट फैक्टर या न्यूनतम 1,40,000 तथा अधिकतम 10,97,000 रुपये इसमें दिए जाते।
आप देखेंगे विकलांगता के लिए सरकार ने एक और स्कीम शुरू किया 17 में। क्या शुरू किया देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में। फिर देखेंगे एक और है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बाद से 2015 और भी देखेंगे बीमारी के लिए भी, विकलांगता के लिए भी कृत्रिम अंग लगाने हेतु PMCH, DMCH, NMCH, AIIMS, IGMS इत्यादि संस्थानों में जो है, मेडिकल संस्थानों में ये बीमारी के लिए और इसके लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ आप जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब देखेंगे आप तीसरा हो गया प्रसूति मैटरनिटी, ये अभी मैं परिभाषा बता रहा हूँ, उस परिभाषा के अंतर्गत क्या चीज है, तब इस एक क्वेश्चन भी मैं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को पता नहीं है, जब पढ़ा बताएंगे तब तुरंत याद हो जाएगा। देखेंगे प्रसूति, देखेंगे कि महिलाएं मां बनेगी लेकिन निश्चित नहीं है कब बनेगी। जब वो मां बनेगी तो मां बनने से पूर्व और मां बनने के पश्चात प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो काम नहीं कर सकती, वो काम पर नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में उसे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोजक क्या करता था पहले, जब कानून नहीं था 1961 का, तो वह नौकरी से निकाल देता था, जैसे देखता था कि मां बनेगी नौकरी से निकाल देता था। ऐसी स्थिति में वह अपने को असुरक्षित महसूस करती थी कि मेरा नौकरी भी गया, खर्च तो बढ़ गया, बच्चे होने से पहले या बच्चे होने के बाद भी खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में नीति निर्धारित तत्व के अंदर रखा गया कि राज्य महिलाओं को प्रसूति संरक्षण देगा, और इसी आधार पर भारत में कानून बनाई गई मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत 26 सप्ताह का मैटरनिटी बेनिफिट देने की बात है इसमें, 8 सप्ताह प्रसव पूर्व, 18 सप्ताह प्रसवोपरांत। देखेंगे इसके अलावा सरकार ने 2017 में मातृत्व वंदना योजना, वंदना योजना 2017 के तहत प्रत्येक प्रसूति को 6000 रुपये देने की स्कीम है इसमें, कि उसको मां बनने पर। साथ ही इसके अलावा सरकार एम्बुलेंस निशुल्क, नर्स डॉक्टर की व्यवस्था, आप देखेंगे PHC है ब्लॉक में, वहां भी व्यवस्थाएं हैं सारी, और उसके साथ 1500 रुपया भी देती है प्रत्येक मैटरनिटी, 1500 रुपया के भुगतान करती है सरकार। तो ये देखेंगे कुछ समाज सेवकों द्वारा भी एम्बुलेंस चलाए जाते हैं जो फ्री में चलाए जाते हैं, या डीजल का दाम पेट्रोल का दाम दे करके दे दीजिए, कम उसका फी रहता है, जो ऐसा NGO द्वारा किया जाता है। ये मातृत्व वंदना योजना हो गया। देखेंगे कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत भी मैटरनिटी की बात है, क्या है उसमें जी, दोनों में क्या अंतर है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत जो मैटरनिटी देने की व्यवस्था की गई है, दोनों में क्या अंतर है? तो मैं अंतर पूछ रहा हूं,
अरे एक में बीमा करना है, अंशदान देना है, एक में काम करना है, एक में 80 दिनों का काम करना है, एक में 70 दिनों का अंशदान देना है, तभी लाभ मिलेगा। अंतर यही है कि एगो में निःशुल्क मिलेगा इसमें, आ इसमें जो है अंशदान देंगे तब मिलेगा, बीमा करा रहे हैं। तो ये जो है आप देखेंगे प्रसूति हित लाभ के अंतर्गत इसको देने की व्यवस्था है। अगला देखेंगे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। नौकरी कब चली जाएगी कोई नहीं जानता। फैक्ट्री में देखेंगे काम करते करते शाम में कर्मचारी ये नहीं जानते थे, ये आप भी नहीं जानते होंगे कि नोटबंदी हो जाएगी। एकाएक 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा किया कि 500 और 1000 के नोट, छठ पूजा से हम लोग घर लौटे ही थे, ठीक ना, चेंज पैसा तो 450 रुपया था लेकिन बैंक वाला भेज दिया, लीगल टेंडर नहीं होंगे, आधी रात से लीगल टेंडर नहीं होंगे। अब एकाएक जो है कर्मचारियों से लेकर के सब लाइन में लग गया 2000 नोट लेने के लिए, पूरा एकदम देश लाइन में लग गया। चलो कहीं कहीं पकड़ा जाता था पैसा, अभी भी गरीब से पूछिएगा जो किसी के पास पैसा नहीं है वो कहेगा कि अमीर के नून मोदी जी लिए। दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है, अरे वो अमीर के पास 2 बोरा नोटे बिक देगा गंगा जी में तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 50 बोरा रखा है उसका और उसका पैसा तो जमा हो गया। गरीब का भले पैसा जमा नहीं होगा, अमीर का जल्दी पहले ही बैंक मैनेजर आके लेके चल जाता है, क्योंकि बैंक क्या है, व्यवसाय है। और व्यवसाय किससे चलता है, गरीब से नहीं चलता है, अमीर से चलता है।